सबसे पहले जरूरत है फिल्टर। फिल्टर मतलब कि आपकी पूरी डेटा में से कोई पर्टिकुलर डेटा को आपको देखना हो, निकालना हो या उसका कुछ करना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि डेटा है, मुझे सिर्फ कैंपस का डेटा चाहिए, ऑनलाइन का डेटा नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से जाऊंगा और सिर्फ कैंपस को सिलेक्ट करके ओके करूंगा और यहाँ पे कैंपस का डेटा आ जाएगा। सिंपल। तो बाकी डेटा कहाँ गया? तो बाकी डेटा हाइड हो गया। जैसे यहाँ देखिए रोल नंबर 1, 2 हाइड है, 3, 4, 5 हाइड है, 6, 7, 8, 9, 10 हाइड है, तो वो डेटा उसने बाकी रो को हाइड कर दिया। तो कैसे लगता है फिल्टर? देखिए फिल्टर और सॉर्टिंग लगाने की से पहले चीज ध्यान रखिए कि आपके डेटा में कोई ब्लैंक डेटा तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्लैंक डेटा है, ब्लैंक रो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ब्लैंक डेटा बगैर सिलेक्शन का यूज नहीं होता, तो ब्लैंक डेटा को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। अगर ब्लैंक हुआ तो नहीं तो कोई बात नहीं। उसके बाद आप यहाँ होम मेनू बार के अंदर सॉर्टिंग एंड फिल्टर में यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करेंगे तो देखिए फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर क्या हो गया? फिल्टर अप्लाई हो गया। अब इस फिल्टर में यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ। अब फिल्टर 3 तरह के होते हैं, टेक्स्ट फिल्टर, नंबर फिल्टर एंड डेट फिल्टर। हम टेक्स्ट फिल्टर की बात करें, देखिए जिस कॉलम में टेक्स्ट है, मतलब कि ABCD है या किसी नंबर है, उसको टेक्स्ट फिल्टर कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहां से किसी भी टेक्स्ट को यहां से क्लिक कर सकता हूं, जो भी सिलेक्ट होगा वो क्लिक हो जाएगा, वो आपका दिखेगा। उसके अलावा इसमें आपका एक टेक्स्ट फिल्टर नाम का भी कॉलम दिख रहा है, इसमें हम लोग कस्टम फिल्टर करते हैं। एक तो फिल्टर का एक कलर है, किसी पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, सिर्फ वही कलर दिखेगा जैसे सॉर्टिंग में हुआ था। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट फिल्टर में कंडीशन होती है, जैसे इक्वल। अब मान लीजिए जो ढूंढना चाह रहे हैं आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, बहुत लंबा लिस्ट है नहीं मिल रहा है, तो आप इक्वल पे जाके वो टेक्स्ट टाइप कर दीजिए। जैसे मैं डाल दिया MUZ एंड ओके, आप देखेंगे सिर्फ MUZ का है यहाँ पे आया। उसी तरह से यहाँ पे आता है डज नॉट इक्वल, बिगेन विद, एंड विद, कंटेन। बिगेन विद मतलब जिसका स्टार्टिंग से हो, कंटेन मतलब कि मैं यहाँ पे दिल्ली, न्यू दिल्ली है तो मैंने यहाँ पे दिल्ली सिलेक्ट कर लिया, तो दिल्ली और न्यू दिल्ली दोनों यहाँ पे फिल्टर हो जाए। ओके ऐसे एंड दिस, तो यहाँ से अपने फिल्टर अप्लाई कर सकते। इसी तरह से नंबर फिल्टर में होता है कि पर्टिकुलर नंबर, यहाँ पे नंबर लग सकते हो, उसके बाद फिल्टर बाई कलर है आपका, उसके बाद फिल्टर नंबर फिल्टर। जैसे इक्वल एक पर्टिकुलर नंबर को सिलेक्ट करके फिल्टर कर सकते हैं, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन, लेस इक्वल टू, बिटवीन, नॉट बिटवीन, यही पे आपको यहाँ कहा जाता है टॉप 10। लिख कीजिएगा टॉप 10 तो आपका टॉप 10 नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे बॉटम 10। अब हम एवरेज, पर्टिकुलर एवरेज से ऊपर, एवरेज से नीचे, से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपने किया था वो सेम चीज आया था। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर हुआ था, यहाँ पे आपका होगा फिल्टर। उसके बाद यहाँ आता है डेट फिल्टर। डेट फिल्टर जब लगाएंगे तो एक तो आपका ईयरली यहाँ से ग्रुप हो जाएगा। अब यहाँ पे किस ईयर, जिसमें 2023 का मुझे मार्च का डेटा चाहिए, जिस चीज का डेटा चाहिए क्लिक कीजिए, मैं पूरा मंथ का हटाना, मंथ का ये लाना लगा या चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हैं, सिंपल। लेकिन इसके डेट फिल्टर में देखेंगे तो कुछ ज्यादा नहीं है। जैसे इक्वल किसी पर्टिकुलर डेट को लुकअप करना चाहते हैं, बिफोर किसी डेट से पहले, आफ्टर, बिटवीन, तो ये तो आप डेट डाल सकते हैं, जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डेट आप डाल सकते हो। उसके बाद आता है टुमोरो, मतलब कल की डेट, ऑटोमेटिकली सिस्टम डेट ले लेगा और देखिए कल की डेट। तो ऊपर जो था उसमें आप सिर्फ डेट को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है टुडे, स्टार्ट डेट, नेक्स्ट वीक, दिस वीक, लास्ट मंथ, दिस मंथ, नेक्स्ट क्वार्टर, दिस क्वार्टर, लास्ट क्वार्टर, नेक्स्ट ईयर, दिस ईयर, लास्ट ईयर एंड ईयर टू डेट, मतलब कि 1 जनवरी 2023 से आज तक की डेट। उसके अलावा देखिए मेरे पास क्या है कि 4 साल का डेटा है,
तो ऑल दैट इन पीरियड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने सिलेक्ट कर लिया जनवरी, तो 2023 24 25 26 का जनवरी महीना यहाँ दिख जाएगा। मैंने सिलेक्ट कर लिया फरवरी, तो फरवरी महीना दिख जाएगा। मार्च, तो मार्च महीना दिख जाएगा। जो सिलेक्ट करेंगे वो यहां दिख जाएगा, ठीक है। फिल्टर भी खास नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, आप खुद भी लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। हाँ, इसमें कुछ लोग बोलते हैं एडवांस फिल्टर, तो एडवांस फिल्टर हम आगे आपको कराएंगे कि एडवांस फिल्टर करते समय आपको समझना होता है डेटाबेस लिस्ट मैनेजमेंट फॉर्मूला। अब इसमें कुछ और चीज देखते हैं, जैसे सिलेक्ट। हमने कल फाइंड एंड सिलेक्ट में आपको ब्लैंक सिलेक्ट किया सिखाया था। देखिए, होम मेनू बार के अंदर जो ये फाइंड एंड सिलेक्ट दिखाया था, कंट्रोल एफ है, फाइंड करना, किसी चीज को फाइंड करना, उसको रिप्लेस कर, तो जनरली आपको आता ही होगा, बताने की जरूरत तो है नहीं क्या सर, आता है कि नहीं? हाँ जी, अगर जैसे ये वर्ड में भी काम करता है ना सर। हाँ, सब जगह से सर, इस होम में भी है क्या? हाँ जी सर, मतलब ये क्या कुछ है था? समय में रिप्लेस किसी किसी भी चीज को फाइंड कर, उसको रिप्लेस कर दिया, सिंपल। मतलब कि मुझे कुछ ही ढूंढना है इसमें, तो एक है इसमें मेमोरी ढूंढने में टाइम लगेगा ना, तो आप कंट्रोल एफ कर लीजिए। हर जगह पर सेम सॉफ्टवेयर में होता है, इंटरनेट पे भी, पीडीएफ में भी, सब में कर सकते हैं आप। इसके बाद इसमें आपका सिलेक्ट आता है। सिलेक्ट क्या हुआ कि डेटा के अंदर जो चीजें है ना उसको सिलेक्ट कर, जैसे मैं सिर्फ नंबर नंबर को सिलेक्ट करना चाहता, तो मैं यहाँ पे कंस्टेंट्स में आया और सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करके हटा दिया, तो क्या होगा कि डेटा में सिर्फ नंबर सिलेक्ट हो जाएगा, बाकी जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट नहीं होगा। या मैं सिर्फ टेक्स्ट सिलेक्ट करना है तो टेक्स्ट सिलेक्ट, मतलब आपको डेटा में से क्या सिलेक्ट करना है, या एरर से सिलेक्ट करना है, या ब्लैंक करना है, या एरे करना है, या फिर आपको विजुअल सेल्स ओनली करना है, लास्ट सेल करना है, या फिर कंडीशन फॉर्मेटिंग जहां लगा हुआ है वो सिलेक्ट करना है, जहां जहां कंडीशन फॉर्मेटिंग लगा है वही सिलेक्ट। तो इसका यूज हम ब्लैंक में करते हैं और एक विजुअल सेल्स में, क्यों? नहीं, जब फिल्टर अप्लाई करते हैं ना, तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे अगर दिल्ली का डेटा सिलेक्ट कर लिया, तो दिल्ली डेटा आ गया, दिल्ली में मान लीजिए मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया, कैश आ गया, और फिर हम यहाँ पे मान लीजिए कि हम यहाँ पे होम कॉर्पोरेट सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक, कॉर्पोरेट का डेटा आया। अब मैं इसको कॉपी करके किसी सीट पे ले जाना चाहता हूँ, लेकिन दिक्कत क्या है कि कभी कभी ऐसा होता है कि पीछे का डेटा भी कॉपी हो जाता है, तो सिलेक्शन करने के बाद और कॉपी करने से पहले आप चले जाएं गो टू स्पेशल, और गो टू स्पेशल में आपको दिखेगा यहाँ विजुअल सेल्स ओनली, इस पे क्लिक करें एंड ओके करें, फिर इसको कॉपी करें, कॉपी करने के बाद जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे इसको पेस्ट करो, ठीक है। तो सर इससे वो जो बैक डेटा जो हाइड हुआ वो नहीं आएगा, पीछे का डेटा कॉपी होके नहीं आएगा, समझ गए? तो होम मेनू बार हमने आपके लिए खत्म कर दिया। अब अगला इंसर्ट का पिवट है वहां, लेकिन मैं पिवट आपको ऐसे नहीं बढ़ाऊंगा, पहले आपको देना होगा एक टेस्ट। तो चलिए टेस्ट के क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। तो ये रहा आपका टेस्ट हुआ, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, तो सब क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मुझे इसमें से फॉर्मूला रिमूव करना है, इसमें रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगा है और मुझे इसका फॉर्मूला रिमूव करना है, तो आपको रिमूव करना है और यहाँ पे लिखना भी है कि आपने कैसे रिमूव किया, ठीक है, प्रोसेस को। क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास कि ये मेरा डेटा है, मुझे इसको हमारा टारगेट 70 है, मुझे कितना परसेंट अचीव किया, मुझे इसी के यहाँ पे देना है, इसको रिप्लेस करना है,
कैलकुलेट द टारगेट अचीव परसेंटेज, टारगेट इज 70 बट डू नॉट रिमूव फॉर्मूला एंड कैलकुलेट सेम एरिया। समझ गए? जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग। हाँ, ये आपको सबके अंदर इस तरह से जाना है, डिवाइड बाय 70, इस तरह से डिवाइड बाय, ब्रैकेट में रखना है सबको, डिवाइड बाय 70, डिवाइड बाय 80, इस तरह से करना है, इस तरह से इसी फॉर्मूले के अंदर जो ठीक है। जी 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 ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, कैसे करना है वो आपको लिखना भी है, ध्यान रखिएगा, करके यहाँ पे कर देना है और यहाँ पे देना भी है कि हमने ऐसे किया है। क्वेश्चन नंबर थ्री, मुझे एक नंबर है, एक केड का नंबर है, मुझे चार डिजिट और चार डिजिट के बीच में 8x ऐड करके शो करना है, सिर्फ शो करना है, अप्लाई कस्टम फॉर्मेट लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर है, मुझे यहाँ पे पासवर्ड है और मैं यहाँ पे पासवर्ड में स्टार शो करना चाहता हूँ, और ये फॉर्मूला बार में भी मेरा पासवर्ड शो नहीं होना चाहिए, ठीक है? फॉर्मूला में भी जी, मतलब किसी भी तरीके से मेरा पासवर्ड कोई देख नहीं सकता, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फाइव है, ये मेरे पास अकाउंट नंबर है, ठीक है? इसमें जो कुछ नंबर ऐसे कि दो बार है, 70 यहां भी है, 70 यहां भी है, तो पहला 70 नहीं, दूसरा 70 हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है? ऐसे तीसरा चौथा होना चाहिए, पहला नहीं होना चाहिए, लिखा हुआ है ना, अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन कलर रेड फॉर डुप्लीकेट वेल बट कीप नॉर्मल फर्स्ट वेल, फर्स्ट वेल कलर ग्रेटर देन सेकेंड डुप्लीकेट, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सिक्स है, मुझे यहाँ पे प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इसमें अप एंड डाउन जो कंडीशन ये आता है ये अप्लाई करना है कि प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट में आया तो अप आ जाए, अगर मैं लॉस में गया तो डाउन आ जाए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सिक्स, मुझे हर तीसरे रो के बाद एक रो इंसर्ट करना है, Q1 टोटल का टाइटल देना है और सबका सम अप्लाई करना है, ठीक है? आपने कैसे किया ये लिखना है, मैनुअल नहीं करना है, इसका ध्यान रखिएगा, कोई तरीका अपनाना है, क्योंकि डेटा हो सकता है कि यहाँ 16 हो सकता है कि 16,000 भी हो, सो डू नॉट मैनुअल। अब यहां पे कुछ डेटा फाइल है, ठीक है ना, तो आपको कॉपी एंड पेस्ट करना है बट हाइड डेटा को पेस्ट नहीं करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नाइन है, इसमें रेड कलर आ गया है, अभी रेड कलर को ग्रीन कलर में कन्वर्ट करना है, लेकिन मैनुअल नहीं करना है, समझे? फाइंड एंड रिप्लेस पद्धति में कुछ ऐसा त्रिकम लगाना है कि, क्योंकि हो सकता है कि चार हो सकता है 400 हो, चार मैनुअल करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा ना, रिप्लेस रेड कलर टू ग्रीन यूजिंग फाइंड रिप्लेस यूजिंग द मैनुअल, समझे? अगर मैनुअल नहीं करना तो ये कैसे? अब चार है आपके पास, मान लीजिए 400 हुआ तो क्या एक एक करके मैनुअल करते जाएंगे आप? क्या बोल रहे हैं? ये मान लीजिए डेटा काफी बड़ा है, ऐसे 400 रेड अलर्ट है, तो एक पे जाइएगा और यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा, यहाँ से ग्रीन ग्रीन कीजिएगा, ऐसे क्या लग रहा है, पूरा दिन लग जाएगा? इसमें कुछ नहीं, सिंपल है कि गलत, हमने हमें बॉस ने बोला था कि रजिस्टर देख के एक बार इसको कुछ हाईलाइट कर दो, जहां पे गलत दिख रहा है वहां पे हाईलाइट कर दो, मुझे वाउचर दिया कि वाउचर चेक करो और जहां गलत है उसको हाईलाइट करो, ठीक है? हाईलाइट के लिए उन्होंने बोला था ग्रीन कलर रखना, मैंने गलती से रेड कलर रख दिया और मैं पूरा दिन करके हाईलाइट किया हूँ,
अब मेरी से गलती हो गई तो भाई करना था ग्रीन कर दिया रेड, अब मुझे रेड को ग्रीन करना सिंपल। और डेटा काफी बड़ा है, अगर मैनुअल करूंगा तो काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ शॉर्टकट होना चाहिए, कुछ ऐसा तरीका। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में ये जो बैलेंस शीट दिख रहा है आपको स्टेट इसी तरह का बैलेंस शीट डिजाइन करता है, ठीक है अनिल सर। जी? हो जाएगा? हाँ जी सर, ये दोनों फाइल हम आपको व्हाट्सएप कर रहे हैं, दोनों फाइल को आराम से बैठ के आप इसको कीजिए। हाँ सुदीप जी, मेरे को जी ना कुछ ये जो अभी फिल्टर आप बता रहे थे ना उससे लेके कुछ पूछ रहा था, कि बीच में मैंने कुछ ड्रॉप कर दिया था। क्या पूछना है बताइए। सुनिए, पर तो फिल्टर में जब टेक्स्ट में जाके